सर धोने से एक घंटा पहले इस टोनर को बालों में लगा लो, सिर्फ 15 दिनों में पतले बाल डबल हो जाएंगे, एक भी बाल नहीं टूटेगा और नए बाल तेजी से आएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अर्शी, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट इन हिंदी। होपफुली आर अ वंडरफुली वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर रीग्रोथ टोनर जिससे पतले बाल सिर्फ 15 दिनों में डबल हो जाएंगे और झड़ना तो बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे। इस टोनर को बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ की है सब आपको आपके किचन में मिल जाएंगी, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, किचन में जाएं और इस टोनर को बनाएं। तो चलिए देखते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। फर्स्टली यहाँ पर मैंने लिए हैं फेनोग्रीक सीड्स, जो है मेथी दाना। मेथी दाने का यूज़ खाना बनाने के लिए काफ़ी होता है, तो आपको सिंपली ये भी मिल जाएगा किचन में। एंड ये हेयर्स के लिए क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है और ये बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ लंबा बनाने में भी मदद करता है, ये बालों का टूटना रोकता है। टोनर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेथी दाने को ओवरनाइट भिगोकर रखा था। आप देख सकते हैं ये वाटर का कलर बिल्कुल येलो हो चुका है, इट मींस इसमें जितने भी विटामिन और प्रोटीन है वो सारे पानी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वाटर को एक टी स्ट्रेनर की हेल्प से छान लिया है। छानने के बाद ये फेनोग्रीक सीड वाटर जो है मैं यूज़ करूँगी टोनर बनाने के लिए, और इसमें मैं ऐड करूँगी लौंग। लौंग में हाईली रिच एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ करता है और बालों को मजबूत करता है। लौंग का यूज़ बालों की जड़ों की ड्राइनेस को दूर करता है, और बालों के पतले होने और कमज़ोर होने का रीज़न यही होता है कि बालों में ड्राइनेस हो जाती है। तो लौंग बालों की जड़ों में नमी देता है, और लौंग में एंटी इंफ्लेमेटरी होता है जो बालों को घना करने में भी हेल्प करता है। तो दो लौंग मैंने यहाँ पर इसमें लेकर डाल दी है, और आपको इसको भिगो कर रखना है जब तक आप इसे यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल भरपूर मात्रा में होते हैं, और ग्रीन टी बालों में मौजूद एंटी बैक्टीरियल जो है बालों की स्कैल्फ की ड्राइनेस को दूर करता है, जिससे बालों में होने वाला डैंड्रफ भी दूर होता है। ग्रीन टी एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो झड़ते हुए बालों को रोकता है, एंड इसमें क्वालिटीज़ होती हैं, ये बालों को स्ट्रांग बनाता है और रीग्रोथ करता है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, और एक बर्तन में मैंने ग्रीन टी को डालकर आधा गिलास में पानी डालकर इसको पका दिया था, और पकाने के बाद मेथी दाने और लौंग के पानी में इसको मैंने छान कर डाल दिया है। बस इसमें आपको 3 इंग्रेडिएंट ऐड करने थे जो हमने कर लिए हैं, और टोनर हो चुका है रेडी। इतना सिंपल था इसको बनाना। तो अब मैं इसको अप्लाई करूंगी। इसको सिर्फ आपको बालों के रूट्स में अप्लाई करना है, लेंथ में यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बालों की जड़ों में ये लगेगा। तो मैंने अपने बालों के रूट्स में पार्टीशन करके इसको पूरे हेयर्स में अप्लाई किया। ये इतना पावरफुल टोनर है कि झड़ते हुए बालों को रोक देगा और हेयर लाइंस की रीग्रोथ करेगा, और रिजल्ट आपको सिर्फ 15 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो अप्लाई करने के बाद 1 घंटा आपको इसको रखना है, और इसके बाद अपना हेयर वॉश कर लेना है। इससे मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्मूद एंड सिल्की हो गए थे, आप देख सकते हैं। आई थिंक यू मस्ट ट्राई इट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।